हेलो फ्रेंड्स, आज हम बालाजी मेहदीपुर बालाजी के दर्शन करने वाले हैं। सो अभी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ से हम ट्रेन से जाएंगे, पूरा रूट आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हो शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 5 पे आ गई है। इसी ट्रेन से हम जाएंगे बालाजी महाराज के दर्शन करने। जो ट्रेन वहाँ तक नहीं जाएगी लेकिन बांदापुरी तक जाएगी, वहाँ से हम रूट अपना चेंज करेंगे और गाड़ियों से हम जाएंगे। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन आ गई है, अब इससे हम बांदापुरी तक पहुँचेंगे और वहाँ से मे भी ट्रेन वहाँ से ना मिले तो हम दूसरे गाड़ी से जाएंगे। अब ट्रेन चल दी है, अब देखते हैं अगला रेलवे स्टेशन कौन सा है। यह दिल्ली सराय रेलवे स्टेशन है। अभी दिल्ली कैंट से ट्रेन चल दी है। अभी हम गुरुग्राम पहुँच गए हैं। अभी हम रेवाड़ी जंक्शन पे पहुँच चुके हैं। अभी हम बांदापुरी जंक्शन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से हमको स्टेशन से बाहर निकल के ऑटो या टैक्सी बुक करना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम जाएंगे। अब बांदापुरी जंक्शन पे आ चुके हैं, अब यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे और ऑटो या रिक्शा देखेंगे। स्टेशन के बाहर ऐसी गाड़ियां लगी होती हैं और इसमें बैठ के जाना होता है, ये बता रहे हैं 60 रुपये लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पहुँच चुके हैं बालाजी मेहदीपुर बालाजी। अब यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे दुकानें लगी हैं। यहाँ रुकने की भी व्यवस्थाएँ हैं, बहुत सारे पैलेस वगैरह हैं यहाँ, एसी और नॉन एसी भी की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। मंदिर के पास हम पहुँचने वाले हैं। देख सकते हो आप, कल ग्रहण की वजह से मंदिर का गेट बंद था। सो आज मॉर्निंग में जा रहा हूँ लाइन लगाने, आगे देखो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है वहाँ। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, अभी देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। काफ़ी दूर तक लाइन लगी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा लाइन लंबी लगी है। अब लाइन में हम लगे हुए हैं, लाइन आगे की तरफ बढ़ते हुए और दूसरी तरफ पे ऊंची पहाड़ी।
यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ी से ऊपर से नीचे देखने में। तो कितनी ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं इधर, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने में। इन पहाड़ों की तो बात ही कुछ और है। तो कितना अच्छा लग रहा है। ओके दोस्तों, मैं बालाजी महाराज का दर्शन कर लिया। टोटल खर्च इसमें 290 रुपये लगे थे, एक तरफ से 145 रुपये लगे थे। जब भी मौका मिले एक बार ज़रूर घूमिए और दर्शन कीजिए। बाय दोस्तों।